हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कोपर, आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में। तो जिसका अभी वीडियो आप हम देख सकते हैं, ये है Redmi Note 7 Pro। तो ये Redmi Note 7 Pro में क्या क्या फीचर होने वाला आप लोग साथ जानते ही होंगे, तो फिर भी एक बार आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या इसमें आपको फीचर मिलने वाला है और क्या क्या इसमें आपको खूबी है। तो इसका कैमरा वाकई में काम करता है या फिर Redmi Note 7 Pro का सिर्फ 48 मेगापिक्सल फॉल्स है। तो आइए हम लोग बात करते हैं और दिखाते हैं आपको, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख सकते हैं, ये है Redmi Note 7 Pro, जिसका कैमरा ही लगभग काम के लिए फोन बिक्री में है ज़्यादा, और मी का ब्रांड भी है इसमें। तो ये आप लोग देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल कैमरा। और इसके बाद बॉक्स के अंदर में आपको देखिए 4 GB का और 64 GB का वेरियंट है, और इसमें आपको कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसका प्रोसेसर अगर बात करो तो इसमें 675 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, और इसके बैटरी की अगर बात करो तो इसमें 4000 की बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा बैटरी है। ये मेड इन इंडिया लोगो स्टिकर के साथ में है। तो इसका अंदर में भी देखते हैं कि ये Redmi Note 7 Pro सही में वैसा ही कैमरा क्वालिटी काम करता है या फिर ऐसा। मैंने इसको फ़ोन 15 या 20 दिन पहले ही मंगाया था, तो पहले इसको मैं यूज़ किया हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा काम करता है। ऐसा नहीं कि दूसरा यूट्यूबर का ऐसा फ़ोन लाए खोले और आपको बता दिए कैसा है, नहीं है। तो अभी आपको इसमें यूज़ करके ही बता रहा हूँ। तो ये लगभग मेरा 20 से 25 दिन पहले ही फ़ोन आया है, और इसका अभी मैं डाल के ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ आएगा आपके पास। तो मैंने अभी तो ग्लास व्लास लगा ही लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसको ऑन करते हैं। ये ऑन करने के बाद तो ये है Redmi Note 7 Pro, जिसका कैमरा ही सबसे तगड़ा है, और इसका कैमरा का ही चलते ये फ़ोन ज़्यादा बिक्री में है। तो देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। तो कैमरा को अभी ओपन करते हैं और ये कैमरा देखते हैं। ये लगभग 48 मेगापिक्सल में डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैमरा बहुत ही अच्छा जूम हो रहा है, और 48 देखिए कितना दूर में है। और आप लोग देख सकते हैं ये घर का सीन, तो ये फोटो लगभग बहुत ही अच्छा है, जो कि नॉर्मल कैमरा से बहुत ही अच्छा बेटर काम करता है। तो अगर आप लोग इसको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है 12 से 15 हज़ार के बीच में। तो इसको आप लोग ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी स्टोर से रेडमी के। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड थैंक यू।